लूटकांड में 2 करोड़ सोने के साथ अपराधी हुआ गिरफ्तार। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि शेखपुरा जिले के पुलिस ने बैंक लूट मामले का उद्भेदन कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया गया। 3 दिनों के अंदर पुलिस ने 2 करोड़ लूट कांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस के इस उद्भेदन पर SP कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर घटना के बाद पुलिस द्वारा कांड के सफल उद्भेदन की जानकारी दी है। SP ने कहा कि लूट कांड का मुख्य सूत्रधार बैंक मैनेजर और सहायक मैनेजर ने ही लूट की घटना की साजिश रची थी। SP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 18 दिसंबर को पुलिस को जैसे ही बैंक लूट की घटना की जानकारी मिली, पुलिस की विशेष टीम बनाकर घटना के उद्भेदन की दिशा में लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस के जांच में बैंक के शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक का बयान काफी विरोधाभासी मिला, जिसके बाद शक दोनों बैंक कर्मी पे हुई। पुलिस ने दोनों से गहन पूछताछ के बाद शाखा प्रबंधक ने लूट कांड की योजना बनाए जाने की अपने गुनाह को कबूल कर लिया। SP ने कहा कि लूट कांड में शाखा प्रबंधक ने खुद की संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जबकि सहायक शाखा प्रबंधक सहित अन्य सहयोगियों के साथ लूट कांड की साजिश रची गई। SP ने कहा कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि बैंक लूट के दिन छुट्टी के नाम पर सीमावर्ती नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के बेनार मोड़ के पास रुककर पूरे लूट की वारदात सफल होने तक वो वहां रुका रहा, जबकि अन्य अपने स्थान पर जा पहुंचे। SP ने कहा कि पहले 2 आरोपी बैंक परिसर में प्रवेश किया, जिसके बाद 3 और अपराधी बैंक में घुसे, पहले से तय योजना के अनुसार लूट की वारदात को अंजाम दिया और घटना में सहायक बैंक मैनेजर की संलिप्तता जाहिर ना हो, इसके लिए लुटेरे द्वारा सहायक बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। SP ने कहा कि आरोपी बैंक मैनेजर ने कहा कि उन्हें 3 महीने के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसके बाद सोने को बेचकर सभी लोग आपस में पैसे का बंटवारा कर नए रोजगार की बात स्वीकार की। SP ने महज 3 दिनों के अंदर लूट कांड का सफल उद्भेदन पर टीम में लगे सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान को सम्मानित किए जाने की बात कही है। इस मामले में पुलिस शाखा प्रबंधक कृष्ण मुरारी और सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में लग गई है। इस मामले में पुलिस ने शाखा प्रबंधक कृष्ण मुरारी और सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में लगी है। विभिन्न ऋण बैंक के अधिकारियों को अपने बैंक के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने की अपील की है उन्होंने। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। 18 तारीख को दोपहर में 1:15 बजे अपराध कर्मी आए थे और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड लोन दिलाती है उसके यहाँ से सोने की लूट कर लिए और 2 लाख रुपए कैश वहाँ से लेके चले गए। उस समय अंदर आए व्यक्ति आए थे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में बाहर से थे। ये घटना होने के बाद इसमें त्वरित अनुसंधान किया गया, एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया और 3 दिन के अंदर में इसका उद्भेदन कर लिया गया, लूटी गई सोने की रिकवरी कर ली गई और साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इसमें ये घटना जो ब्रांच मैनेजर थे, जिसको ब्रांच हेड कहते हैं वहाँ पर, उसके द्वारा कारित की गई थी। ये 1 हफ्ता पहले ये लोग बख्तियारपुर के एक होटल में ये और विकास कुमार जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है वो अपने एक सहयोगी के साथ वहाँ पे मिले, वहाँ पे प्लान बनाया गया। ब्रांच मैनेजर के द्वारा बता दिया गया वहाँ पे कि क्या क्या सेफ्टी फीचर है वहाँ के ब्रांच के, क्या क्या कमियाँ हैं वहाँ पे और क्या करने से उसको तोड़ा जा सकता है। साथ ही ये प्लान बनाया गया कि कैसे घटना से पहले लॉकर जो वोल्ट है उसको खोल दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सके।
इसमें घटना के हिसाब से ये जो ब्रांच मैनेजर थे वो अपना टूर दिखा दिए कि वो मीरगंज जा रहे हैं, और जबकि वो 17 तारीख को मोतिहारी गए, ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने गए थे कथित तौर पे। उसके बाद ये ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बताए थे कि ये मीरगंज जाएंगे, लेकिन वो रात में आके बख्तियारपुर में विकास के घर पर रुके। रात में पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई। अगले दिन सुबह में ये बरबीघा आते हैं। बरबीघा में ये 8:30 बजे अपने ब्रांच के दूसरे स्टाफ उससे सौरभ से मोटरसाइकिल लेते हैं और कहते हैं कि मीरगंज जा रहे हैं, जबकि ये बिनार मोड़ सारे जाके रुक गए। वहाँ पे जो बाकी अपराधी थे उनसे मिले, उनको बताए कि कौन कौन ब्रांच में है कौन कौन नहीं है। जब वो लोग ब्रांच आने लगे अपराधी लोग, तो ये विकास को फ़ोन किए और बताया कि वॉल्ट खोल देने के लिए। विकास बहाना बना के वॉल्ट खोल दिया, और जैसे ही वॉल्ट खोला उसके 1 मिनट के बाद ये लोग वहाँ आए। की खबरी बाकी है उसमें, और उसमें पैकेट उन्होंने मिला दिए थे उसमें। अच्छा। तो सब मिला के कर दिया गया है, उसमें रिकवरी हो गई। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी रिफाई बाकी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। रिकवरी कितना हुआ सर टोटल? जो इनका था अभी मेजर नहीं किए, 2 करोड़ के वैल्यू का जो बताया गया। कैसे शक हुआ कि इसमें ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के लोग इसमें? देखिए, इसमें हम लोगों के कुछ अपने खुफिया तंत्र भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है हम लोगों का, और तकनीकी सहयोग भी लिया गया था इसमें। और इसमें हम लोग कई जगह से इनपुट मिले थे, STF भी इन्वॉल्व थी, STF के द्वारा भी इनपुट दिया गया था, अन्य जिलों के द्वारा भी काफ़ी इनपुट दिया गया था। साथ ही एक जो टीम थी, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, इससे हम लोग का शक हुआ और उस पर अग्रसर कार्रवाई की गई। और इसका जो बाहरी लोग हैं वो पहले से वांटेड हैं या पहली बार इस तरह के घटना? ये जो वांटेड हैं वो लोग लूट की घटना में इस तरह से पहली बार आए थे वो लोग, लेकिन पहले भी उनका अपराधिक इतिहास रहा है उसमें, पहले भी जेल जा चुके हैं। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, AC, 0% ब्याज, 0% डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहां सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।